कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज आपसे चर्चा करता हूँ महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर। वैसे तो सभी भक्त अनेकानेक वस्तुओं को देवादिदेव भगवान भोलेनाथ महादेव पर चढ़ाते हैं, परंतु आज मैं कुछ वस्तुओं को बताने जा रहा हूँ, उनको चढ़ाने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं जल को चढ़ाने से। भगवान भोलेनाथ पर जल को चढ़ाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कुशाकी जल को, जल में कुश को डाल करके चढ़ाने से हमें दुखों से मुक्ति, रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है। दही को चढ़ाना, महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर दही का अभिषेक करने से घर, सुख, वाहन आदि का लाभ प्राप्त होता है। गन्ने का रस, महाशिवरात्रि में शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है। शहद को चढ़ाना, महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से आय में वृद्धि होती है। फिर इसके बाद में इत्र वाला जल, जल में इत्र मिला करके चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ की पावन कृपा और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दूध का चढ़ाना, महाशिवरात्रि के दिन आप भोलेनाथ पर जो दूध चढ़ाते हैं, संतान की प्राप्ति होती है, संतान स्वस्थ रहते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गंगा जल चढ़ाना, महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से पापों से छुटकारा प्राप्त होता है, पाप हमारे कम होते हैं। दूध और चीनी मिलाकर के चढ़ाने से क्या होता है, महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर दूध और चीनी चढ़ाने से बुद्धि हमारी तीव्र होती है। घी का चढ़ाना, घी के चढ़ाने से शिवलिंग पर जब हम घी को चढ़ाते हैं तो वंश वृद्धि होती है, परिवार में खुशहालियाँ आती हैं। सरसों के तेल को चढ़ाना, महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर सरसों के तेल को चढ़ाने से हमारे शत्रु पराजित होते हैं। कच्चे अक्षत को चढ़ाना, चावल जो होते हैं टूटा हुआ नहीं होना चाहिए और इससे धन धान्य की प्राप्ति होती है। तिल का चढ़ाना, महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर तिल को चढ़ाने से हमारे पितृ, हम प्रसन्न होते हैं और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। पुष्प का चढ़ाना, पुष्प को चढ़ाने से मानसिक प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। इन वस्तुओं को चढ़ाने से देवादिदेव भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। विधि विधान के साथ घर में भी आप अभिषेक कराइएगा तो इन वस्तुओं को चढ़ाइएगा। और भी बहुत सी वस्तुएं होती हैं, परंतु कुछ वस्तुओं को जो हमने बताया है, इनको चढ़ाने से इस तरह की लाभ की प्राप्ति होती है। अगर चाहते हैं पूजा पाठ या अनुष्ठान से संबंधित कोई भी कार्य, या पितृदोष, कालसर्पदोष, भगवती दुर्गा के पाठ, या चाहते हैं पितरों की आत्मा की शांति के लिए भागवत महापुराण दिव्य कथा का आयोजन, तो संपर्क करिएगा। पुनः मिलूँगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।